नमस्ते, सलाम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ इंडिया पाकिस्तान बिजनेस शो। दिस इज अ यूनिक शो। ये भी एक बहुत अलग किस्म का शो है जिसमें हम प्रमोट करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बिजनेस, कैसा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और दो तीन लेंगे जो पहले भी इस प्रोग्राम में आ चुके हैं, ज्वाइन करेंगे। और जैसा आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते जाते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो, लाइव वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच चुके। सो वेलकम टू दिस शो। आई वुड पास गेट अमित गौरव जी। ये एक फेमस लॉयर हैं इंडिया से, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बिजनेस पे काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो मैं इनको इनवाइट करूंगा इस शो में और करूंगा कि ये अपना तारुफ कराएं। अमित सर, वेलकम। कैसे हैं आप? हुआ मैं खुश हूं और पाकिस्तान के भाइयों को आज शबे बारात के दिन वो अपने हाँ, दुआओं में रहें और याद करें अपने बुजुर्गों को। हमें तो पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें कराची से मोहब्बत है, हमें लाहौर से मोहब्बत है, हमें पेशावर से मोहब्बत और बेशुमार जगह है जहां मैं जाना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। इंशाल्लाह कभी जा पाएंगे, मिल पाएंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट की वीडियो हमारे साथ भी ज्वाइन करेंगे, और उन लोगों के लिए चाहते हैं लाइव वीडियो के मैसेज पहुंचे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। सर, आप अपने पेज पे भी इसको शेयर, अभी डाल दिया आज जी, हमारे अभी आज हमारे फेमस लॉयर जो इंडिया हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो हैं। अमित जी, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को और पाकिस्तान के व्यूअर्स को। वालेकुम। मेरा नाम अमित गौरव है, मैं दिल्ली गालिब के शहर में रहता हूँ और कानून का धंधा करता हूँ। कानून की मदद करता हूँ, लोगों को खिदमत करना, लोगों को खुश रखना, ऐसी मेरी कोशिश रहती है जो निजामुद्दीन सरकार का हुक्म है। और निजामुद्दीन सरकार हमारे शहर के वली हैं और इच्छा है पाकिस्तान में कभी पाक पैटन जाऊं और दूसरे जगहों में जाऊं और मिलूं। और पाकिस्तान हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन है व्यापार के मामले में, तो हमारी उम्मीद है कि हमारी आपसी व्यापार काफी आगे बढ़े और तरक्की करे, बॉर्डर्स की दीवारें खुले और आसान हो। जो अभी दुबई के मार्फत चीजें पाकिस्तान में पहुंचती हैं वो सीधे पहुंचे, पाकिस्तान खुश हाँ, हो, आबाद हो। मेरी भी यही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो मुल्कों के बीच में तनाव है वो कम हो, और आई थिंक जो बिजनेस है वो एक बहुत उम्दा डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं। अच्छा, हमारे साथ नजीर सर भी आ गए हैं। मैं पॉडकास्ट में ला रहा हूँ, एक बिल्कुल सेकेंड। बिल्कुल, आई थिंक वो सेट कर रहे हैं, वो सेट कर लें तो मैं उनको अभी बिल्कुल लेके बिल्कुल आता हूँ। बिल्कुल। जी के बाद
पाकिस्तान में, लेकिन उससे भी जो बड़ी बात मुझे लगती है वो एक पूरी पूरी यूनिवर्सिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है। उन्होंने करीब एक से शुरू किए हैं और जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ती है मैं उनको फोन कॉल करके बुला लेता हूँ, सर मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरी हेल्प करिए। तो आज भी उस सिलसिले में मैंने इनको बोला कि आप ये जो प्रोग्राम है आज शायद रेहान नहीं ज्वाइन कर पाए, तो मुझे आपकी अदा करना चाहता हूँ और उनको अगर वो सेटल हो जाएंगे तो मैं उनको अभी ब्रॉडकास्ट में भी लेके आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू, उन्होंने इशारा कर दिया है तो मैं उनको अब ब्रॉडकास्ट में ला रहा हूँ। ये बड़ा एक अच्छा मीडियम है, रिलैक्स मूड में बात कर सकते हैं। आई थिंक अब हम सब ने तीनों ने वालेकुम सलाम हमीद साहब, आप कहाँ रहते हैं सर? ये लॉयर है अमित साहब, इज आल्सो एन एडवोकेट। जी 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 हाँ, ही इज आल्सो एन एडवोकेट। आप थोड़ा एक दूसरे से बारे में जानिए। मैं रहता हूँ निजामुद्दीन सरकार के शहर में, हमारे शहर के वली हैं निजामुद्दीन सरकार और हमारा शहर गालिब का शहर है और हम लोग दिल्ली में खिदमत करने पे यकीन रखते हैं और उसी यकीन पे सभी से मिलते हैं, सभी से मोहब्बत करते हैं। हमारा शहर मोहब्बतों का शहर है, 22 पीरों का मरकज है और हमारी खुशकिस्मती है कि आज आपसे बातचीत हो पा रही है। अमित साहब, ये मेरे लिए बड़ी इज्जत बात है, आप सबसे इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगता है और दिल्ली में जब भी जाता हूँ आपने जो दो बुजुर्गों के नाम लिए, गालिब हाल इस रीजन के एक बहुत बड़े शायर हो गए और हजरत निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो तो दिल्ली के वली हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों साथ साथ ही हैं, करीब करीब ही हैं, दोनों जगह हाजिरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आज का टॉपिक क्या है, क्या डिस्कशन चल रही है? मुझे कपिल जी ने बुला लिया, जो टॉपिक शुरू करेंगे मैं उस पे तैयार हूँ। हाँ, मेरे पास टॉपिक रेडी है, मैं तो अभी दोनों को इंट्रोडक्शन करा रहा था। और दो लोग नेट के लिए का अच्छा है, दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान में मोहब्बत पे कोई टॉपिक की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, टॉपिक की कमी नहीं है जी, टॉपिक की हम थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाते हैं टॉपिक में, क्योंकि हमारा जो बेसिक जो शो है वो हम ये चाह रहे हैं कि इसको अभी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, हम बिजनेस की में खाना इतना कॉमन है, इतनी सारी चीजें कॉमन है कि टॉपिक की कमी नहीं होगी। नाजी सर, हमने लास्ट टाइम डिस्कशन हम कर रहे थे कि सर्विसेज या गुड्स कैसे ट्रैवल करते हैं इधर से उधर, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेके जा रहा हूं टॉपिक को। जैसे हम इंडियंस की खबर पढ़ जाए, चाहे सर आप आवाज ठीक आ रही है? हाँ, अब कुछ ठीक है। हाँ जी, मैं आज तो मैं रिफ्रेश करूंगा अपना ब्राउजर, तो ठीक है, ठीक है, प्लीज। वो कि हम जब देखते हैं कि काफी सारे इंडियंस और पाकिस्तानी जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो उस मुल्क में जाके जॉब तो अच्छी करते ही हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी
काफी अच्छी करते हैं, मतलब लाइक दे आर वेरी सक्सेसफुल, बाहर जाके बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं. तो ऐसा क्या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के एनवायरमेंट में यहाँ पे और बाहर के एनवायरमेंट में कि वहां जाके लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और हमारे मुल्क में सक्सेसफुल नहीं? दो बातें हैं. पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्कों में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं. फैसिलिटेशन जो है इतना नहीं है जितना बाहर किसी बिजनेसमैन को किसी एंटरप्रेन्योर को फैसिलिटेट किया जाता है. दूसरा ये है कि जो एंटरप्रेन्योर यहाँ से बाहर जाता है वो एज इट इज़ एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा होता है. इसका मतलब ये है कि वो रिस्क टेकर है, इनबिल्ट उसके अंदर रिस्क टेकिंग की स्किल मौजूद है, इज ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर. हिम्मत जो है इतनी है कि वो बाहर जाके एक अजनबी माहौल में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके और चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, तो पहली बात है. दूसरा ये कि बाहर जो है वो बाइंग पावर ज़्यादा होता है, मार्केट्स बड़ी हैं, इस वजह से भी ये होता है कि वहाँ जो है वो एक्सेस जो है कंपैरेटिवली इजी होता है. तो तीसरी बात ये है कि नॉर्मली हम ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं एज कम्पेयर टू वहाँ के लोकल लोग जो हैं जहाँ भी हम जाते हैं. तो क्योंकि हम हार्ड वर्क पुट इन कर सकते हैं अपने बिजनेस में, तो सक्सेस की ये भी वजह है. मकसद आप अमेरिका में दो तीन बिजनेस हैं जो इंडियंस डोमिनेट करते हैं. फॉर इंस्टेंस मोटेल्स जो हैं वहाँ पटेल कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट करती है. डॉलर स्टोर्स हैं वो भी इंडियन कम्युनिटी वहाँ डोमिनेट करती है. जहाँ तक मोटेल्स हैं उसमें काफ़ी सारे काम हैं जो फैमिली खुद ही कर लेती. इस वजह से दे आर सो कॉम्पिटिटिव कि दूसरे लोग जल्दी एंटर नहीं कर पाते. डॉलर स्टोर में यू हैव टू पुट इन लॉन्ग आवर्स क्योंकि उसमें कोई इतना बड़ा स्टाफ नहीं है, तो सारा कुछ खुद ही करना होता है और लॉन्ग आवर्स आपको काम करना होता है. गैस स्टेशंस में हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं. तो ये सारे बहुत डिमांडिंग काम हैं जो हम कर ले कुछ आराम पसंद हो गए हैं, तो अपना 9 to 5 काम करके उसी में खुश होते हैं और इस वजह से भी कुछ हम सक्सेसफुल जाते हैं. हाँ सर अमित सर आपका ओपिनियन चाहिए. नहीं नाजिर साहब एक चीज कहूंगा, जगह या दिल्ली हो या कराची, जब हम अपने मुल्क में काम करते हैं तो हमें बहुत सारे लाइसेंस और परमिट लेनी पड़ती है, नंबर एक, जो कि रिश्वत दे के मिलती है. अपने इस ये जो साउथ एशिया की ज्योग्राफी है यहाँ पे रिश्वत का एक कल्चर है, चाहे वो नेपाल हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो. नंबर दो, रेगुलर सर्वाइव करने के लिए हमें एक दूसरी तरह की रिश्वत देनी पड़ती है. अगर मुझे मुनाफा होगा तब तो मैं बांट पाऊंगा लोगों पे, लेकिन हमें बांटते बांटते कई बार क्या होता है कि हम जो लोन ले रखे होते हैं बैंकों से या बाकी जगहों से हम फेलियर हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस करने में इस खिप्ते में हमें डिसऑनेस्ट होना पड़ता है. अगर हम डिसऑनेस्ट नहीं होते हैं तो हम कामयाब नहीं हो सकते. दूसरा, चाहे वो टेंडर्स हो या ऑर्डर्स हो, इसमें रिश्तेदारी, भाई भतीजावाद ये सब बड़ा आम है. वो क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका बात देखी. आपको आपने कुछ बना लिया, वो उसका ऑर्डर आपको मिलेगी ही नहीं, फलाने आदमी की कंपनी को ही केवल मिलेगी क्योंकि उसकी रिश्तेदारी किसी के साथ. इस तरह का भी कल्चर हमारे इस खिते में, इसलिए हम कामयाब नहीं हो पाते. जबकि वहां हमें ना किसी को कोई पैसा देना होता है ना कुछ करना होता है, हमें अपना काम करना होता है. तो रेसिस्ट लर थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है. कोई गलती होती है तो हमें सजा ज्यादा मिलती है दूसरों के मुताबिक वहां के लोकल आदमी से, लेकिन अदरवाइज मेरे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन
इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में मैं सुबह से शाम तक काम करूं, हमें मैनेज बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो जो बांग्लादेश में हादसा हुआ था, बिल्डिंग टूट के गिरी थी, जो कपड़े वो बना रहे थे, हम अपना स्टैंडर्ड क्यों नहीं रख पाते? मैं जानता हूं लोग इसलिए नहीं रख पाते कि हमें इतने पैसे खिलाने होते हैं कि हमें तो बड़े मुश्किल से काम करके पैसा बांट के किसी तरीके से चलना होता है। वेस्टर्न मीडिया सोचती है कि भाई हमने कोई स्टैंडर्ड देने रहा है, दे कहां, सब पैसे तो बढ़ जाते हैं। अगर 10 रुपया मुनाफा होता है तो 2 ही रुपया मेरे पास आता है, बाकी तो मुझे बांटने पड़ते हैं, नहीं तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता कहीं भी। आप इस पे क्या कहेंगे, इस चीज को कैसे साउथ एशिया में ठीक की जाए? हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनकी जो पे पैकेजेस हैं वो सफिशिएंट नहीं, और इसकी वजह से उनको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने एडिशनल इनकम के लिए फिर इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। और अगर आप देखें तो जितने बड़े पैकेजेस होते हैं कि एक फैमिली कंफर्टेबली गुजारा होता है, क्लर्क को देखें तो क्या अर्न करता है वो, जहाँ तक मेरा नॉलेज है इंडिया में 16-17 हजार रुपये, पाकिस्तान तकरीबन 22 रुपये। तो इससे ही कैन नॉट बीट हिज टू हैंड्स, अपना घर पूरा कर नहीं सकता। ये होते रहे कि इंटीग्रिटी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो इंटीग्रिटी कभी नहीं है। पहले आप ये इंश्योर करें कि एक बंदा जो काम कर रहा है उसकी जरूरत पूरी हो रही है, जो वो अर्न कर रहा है लेजिटिमेटली। मैं अब इसमें बांग्लादेश का अलग एग्जाम्पल दूंगा, पाकिस्तान का अलग दूंगा, हिंदुस्तान का अलग दूंगा। आवाज सुन, आवाज आ रही है आपके यहाँ, वो बंद करवा लो। हमारे यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कहीं टीवी के, टीवी तो साउंड ऑफ किया हुआ है, म्यूट किया हुआ है। ठीक, ओके। अब बताइए, आवाज नहीं आ रही है आपकी? कपिल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अमित जी, आप कह रहे थे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के, जैसे जैसे पाकिस्तान में अगर आप 5 लाख या 7 लाख से ज्यादा लोन लेते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो सब डिफॉल्टर हो जाते हैं। हिंदुस्तान में आप जो लोन लेते हैं, उसमें इस तरह का कट्स का हिसाब किताब होता है, कई बार आपका प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाता है, आप डेट ट्रैप में आ जाते हैं, और फाइनली आपका बिजनेस फेल हो जाता है। और अब जो कानूने बन रही हैं वो बिजनेस को स्मूथ करने के जगह डेट ट्रैप में फंसे हुए आदमी को नीलाम करके उसको जेल में डालने का इंतजाम हुआ हिंदुस्तान में। बांग्लादेश में एक सिस्टमैटिक माफिया सिस्टम है, जो कि कुछ लियाली जैसा समझ लीजिए, वो पूरे कंट्री में। आप कोई भी धंधा कर रहे हैं, आपको सर्टेन अमाउंट देना होगा, कभी कभी वो इतना रीजनेबल हो जाता है कि आपका धंधा पिट जाता है।
बांग्लादेश में ये सोलह साल बिजनेस आराम से काम करके पैसा कमा के पैसा आदमी बांटेगा भी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कमा ही नहीं पाऊं या मेरे लिए कमाना इम्पॉसिबल आप कर दें, तो कहां से बिजनेस, कोई भी बिजनेस नहीं तो कैसे काम है आप। जैसे बांग्लादेश अपना ब्रांड भी डेवलप हो सकता है, उसके लिए वहां के इंतजामिया को ईमानदार होना पड़ेगा, वो है नहीं। हिंदुस्तान में चीजें काफी ठीक हुई हैं, लेकिन अभी भी बिजनेस वैल्यूएशन और बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग में बड़ी प्रॉब्लम है। एक नया अप स्टार्ट आदमी के लिए अब, हालांकि मोदी जी काफी काम कर रहे हैं, मोदी जी से पहले कोई न सोचता था ना कोई योजनाएं थी नए बिजनेसमैन। अब तो नए बिजनेसमैनों को ट्रेनिंग दी जा रही है, मार्केट ढूंढा जा रहा है, बहुत सा काम हो रहा है। तो इस तरह से मैं बताना चाह रहा हूं कि डेट ट्रैप जो है पैसे का भैया, वही लोग फिर कनाडा में जाके बहुत मस्ती में रह रहे हैं। जो लोग लोन डिफॉल्टर हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, वो सब कनाडा में बड़े आराम से रह रहे हैं। हमारे यहाँ के एक शख्स ने तो यहाँ हजारों करोड़ के लोन लिए, लंदन में 400-500 करोड़ के कई मकाने खरीदे, अभी तक उसका डिपोर्टेशन हो नहीं पाया। किंगफिशर की विजय माल्या की बात कर देखो कंट्रोवर्सी से सब लोग अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि किसी का नाम लिया जाए। हिंट पॉसिबल है, हम लोग हिंट कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा टॉपिक को उस, हाँ ठीक है, वही मैं सिर्फ अवॉइड करता हूँ वो। मैं जो हमारे साथ नए लोग ज्वाइन किया है, जिन्होंने जो व्यूअर्स ज्वाइन किया है, मैं उनका एक दफा फिर से वेलकम करता हूँ। हाँ, और मैं चाहूंगा कि वो लोग शेयर कर दें, एक शेयर का बटन है, जब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप शेयर का बटन दबाएंगे ताकि और लोग भी ज्वाइन कर सके हमारे इस टॉक को और इसका फायदा उठा सकें। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग इंडिया पाकिस्तान में इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते, लेकिन इतनी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, लेकिन बाहर वो लोग जाते हैं तो वो अच्छी तरह सरवाइव ही नहीं, थ्राइव कर सकते हैं। तो ऐसा वहां क्या डिफरेंस है? तो सर अभी हमने डिस्कशन की, लेट्स सी फ्यूचर ऑल्सो कि हमारी, हम कैसे एनवायरमेंट में, जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट, हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारे लोग जो एटलीस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज्यादा थ्राइव कर सकते हैं। क्योंकि आप बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और अमित जी इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे, या हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है जिससे हमारा एंटरप्रेन्योर थ्राइव कर सके हमारी अपनी कंट्री। कपिल जी एक्चुअली आप देखें तो ऑलरेडी आज से 20 साल पहले जो इंडिया में एंटरप्रेन्योर जितने थे, मुझे ऐसे कुछ याद नहीं है, पर ये कि उसमें बहुत ग्रोथ हुई है। अब एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा। दूसरा ही कि अब इंडिया में चाइना की तरह इवन पाकिस्तान में मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। तो मकसद ये कि जब इनकम बढ़ती है लोगों की तो उनका बाइंग पावर बढ़ता है, जब बाइंग पावर बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस जब बढ़ता है तो एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक इंडिया में बहुत उसकी ग्रोथ, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी अब आ रहे हैं, इंक्यूबेटर्स बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पहले यही से सोचते थे कि हमें एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब पे लगना है। इंस्टेड अब ये सोच उनको दी जा रही है कि यू हैव एन ऑप्शन कि आप एंटरप्रेन्योर बने। तो अब इस सोच को ज़्यादा ताकत मिल रही है और फैसिलिटेट भी किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी,
पहले जो प्योरली आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते थे, अब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहे हैं, विच इज अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फ्रेंचाइजीज छोटी छोटी, अब आई एम श्योर कि ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी विल सी मोर एंटरप्रेन्योर्स कमिंग अप। ग्रोथ है एंटरप्रेन्योरशिप की वो और बेटर होगी तीनों कंपनी में। इस प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो है ओपिनियन इसमें क्या, और हम इस एनवायरमेंट में क्या इम्प्रूव कर सकते। जैसे चाइना ने अपना एक ब्रांड बनाया है, वो अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हम ब्रांड पाकिस्तान, ब्रांड इंडिया, ब्रांड बांग्लादेश क्यों नहीं बना पाते? पाकिस्तान में इतने उम्दे आम होते हैं, इतना बढ़िया बासमती चावल होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, उन सबको भी हम प्रॉपरली मार्केट नहीं कर पाते एज ए पाकिस्तानी ब्रांड। सेम वे इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनकी भी हम इंडिजिनस मार्केटिंग नहीं कर पाते। सेम वे बांग्लादेश में, प्लस इन सब जगहों में टूरिज्म की बहुत स्कोप है, लेकिन हम टूरिज्म को भी मार्केट नहीं कर पाते, ना टूरिस्ट अट्रैक्ट कर पाते। अभी मुझे बड़ा तकलीफ हुई थी जब एक मुल्क ने आके पाकिस्तान में कहा कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है, तुम्हारे प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है, जब हम यहां फैक्ट्रियां लगा लेंगे तब हम तुमसे प्रोडक्ट लेंगे। तो ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट से मुझे बड़ी तकलीफ हुई। सेम वे इंडिया में भी एक मल्टीनेशनल कंपनी ने कहा कि तुम्हारा टमाटर बढ़िया नहीं है, हम अपना टमाटर लाएंगे, तुम्हारा आटा ठीक नहीं है, हम अपना आटा लाएंगे। अजीब बात है। तो ये उस तरह से बांग्लादेश में भी कुछ मुद्दे होंगे, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा 2 मिनट। तो हम अपना ब्रांड क्यों नहीं बना पाते, हम अपना सिग्नेचर आइटम्स क्यों नहीं बना पाते? जैसे खाने पीने के मामले में मुझे मालूम नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा, लेकिन हिंदुस्तान और अमेरिका में एक जंग चल रही है। इंडियन करीज का सिग्नेचर डिश अभी नहीं है, जैसे हम बर्गर खाते, सिग्नेचर डिश को अगर समझाना आप तो समझ रहे होंगे, लेकिन व्यूअर्स के लिए सिग्नेचर डिश वो होता है कि जैसे मैकडोनल्ड का बर्गर है, कहीं भी आप पूरे दुनिया में खाओ एक ही टेस्ट है, पिज्जा हट का पिज्जा एक ही टेस्ट है। लेकिन इंडियन खाना, इंडियन मतलब इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी खाना, इसकी कोई सिग्नेचर नहीं है। मैं अपने इंडिया का एग्जांपल दूंगा, जामा मस्जिद के करीम का कोई कॉपी नहीं है, दूसरे करीम 100 खुले दिल्ली में, लेकिन उसकी टेस्ट और जामा मस्जिद के करीम के टेस्ट में आसमान जमीन का फर्क है, सेम सिग्नेचर है ही नहीं। जामा मस्जिद के पास के करीम का खाना आंख में पट्टी बांध के भी आदमी बता देगा ये जामा मस्जिद वाले करीम का खाना, नहीं दूसरे जगह नहीं। वो जो करी मसाला जो एग्जैक्ट एक ढाबे का है वो दूसरे ढाबे में सेम नहीं हो पाता, इवन नेम सेम हो तब भी। जैसे सारे मैकडोनल्ड में एक ही बर्गर मिलते हैं, लेकिन मटन कोरमा सेम नहीं होगा सारे दुकानों में, नाम सेम हो बेशक, वैसे ही दाल सेम नहीं होगी, वो मसाले का फर्क हो जाता है, कुक के हिसाब का फेर हो जाता है। वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी कोशिश हो रही है, पाकिस्तान में कोशिश हो रही थी, मुझे मालूम जानकारी नहीं है, अमेरिका में भी कोशिश हो रही है, क्योंकि इंडियन खाने का, इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी खाने का पूरे वर्ल्ड में एक मार्केट है, लेकिन उसके स्टोर्स नहीं खुल पाए हैं सेम सिग्नेचर के, सिमिलैरिटी ऑफ डिश के। तो वहां कहीं ना कहीं इनोवेशन में भी हमें कमी है। अमित जी, इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं। आपका हल्दीराम जो है दुनिया में एक ब्रांड के तौर पे चला गया है ना, अमूल के प्रोडक्ट्स अगर हम खाने पीने की बातें करें तो सारी दुनिया में फैल गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान का अगर शान का मसाला आपने देखा होगा, देखा नहीं है, हम उसके रेगुलर यूजर हैं। तो अब इंडिया में भी तकरीबन हर लीडिंग स्टोर में शान का मसाला अवेलेबल है और सारी दुनिया में। तो मकसद ये कि
हमारे ब्रांड्स गए हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको एक बात बताऊं, जैसे आपके एक मशहूर शेफ है खाना खजाना वाले, मिडिल ईस्ट में कई जगह उनके ब्रांड के साथ आप चले गए हैं और हर जगह आपको स्टैंडर्ड का फूड मिलता है और टेस्ट है वो कोई सिमिलर नहीं होती। वो संजीव कपूर की भी एक दुकान की टेस्ट दूसरे दुकान में सेम नहीं होती। इससे अच्छा खाना होना अलग बात है। जैसे मैकडोनल्ड का बर्गर है, आप कराची में खाइए या दिल्ली में खाइए, सेम टेस्ट, या दुबई में खाइए। हमारी ये तो ब्यूटी है कि हम मैकेनिकल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। उनका बर्गर जो है वो 90% प्रोडक्शन मैकेनिकल है, मशीन ही उसमें प्रोसेस करते हैं। जब हमारी ब्यूटी ये है, हमारा कल्चर ये है, हमारी सुपीरियरिटी दुनिया से ये है, हमारी अजमत ये है, हमारा जो यूनिक फीचर है वो ये है कि हमारी हर चीज़ इंडिविजुअली हैंडमेड होती है। आपको अंदाज़ा है कि हैंडमेड चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं एज़ कम्पेयर टू मशीन मेड चीज़ें। तो मकसद ये है कि अगर हैंडक्राफ्टेड, हैंड कार्व्ड, हैंडमेड ज्वेलरी, हैंडमेड कारपेट्स, इनकी कीमत क्यों ज्यादा है? लेकिन कुक के मामले में, खाने के मामले में अगर सेम टेस्ट नहीं होगी, सेम कभी नहीं होगा, टेस्ट में 19-20 हो जाए। कभी दो हैंडमेड कारपेट आपको 100% सेम। हाँ, स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है कि हम यूनिक कैरेक्टर रखते हैं कि हर चीज हम हैंडक्राफ्टेड या हाथ से बना के देते हैं। इनका तो क्या है, ये पेटी साउथ अफ्रीका में बन रही होती है मैकडोनल्ड की, या इनके सॉसेस पता नहीं कहाँ बन रहे होते हैं, इनके आलू हॉलैंड से आ रहे होते हैं, सिंधी बिरयानी जाते हैं वहाँ, मैकेनिकली प्रोसेस होकर एक ही प्रोसेस से सारी दुनिया में बन रहे हैं। प्रोसेस अगर हम भी इसी तरह बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दें और मैकेनाइज कर दें तो हम भी एक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन उसमें एक फायदा है, मैकेनाइज उसमें एक फायदा है। जैसे मैं पिज्जा के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं पास्ता के बारे में नहीं जानता हूँ, ये देखिए जी शान का बिरयानी मसाला, गुड हिंदी बिरयानी, सही सही। तो ऐसा नहीं है जो आदमी नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं हो रहा है। बहुत लोगों को एक गलत फहमी है कि इंडिया और पाकिस्तान में बिजनेस नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, बस हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के खाने हैं, इसके पूरे वर्ल्ड में मार्केट है, और माशाल्लाह इन मुल्क के लोगों ने छोटे छोटे ढाबे खोल के पूरे यूरोप में सर्वाइव कर रहे हैं, और कई अच्छे हैं, कई बहुत बेकार हैं। लंदन में जितने भी टेक अवे रेस्टोरेंट्स, जितने ज्यादा पाकिस्तानी और इंडियन हैं और बांग्लादेशी हैं जो टेक अवे है इंग्लैंड में, और बहुत पॉपुलर हैं, उनके ज्यादा ग्राहक हैं वो तो है। लेकिन सर यूरोप और यूएस ही नहीं, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी, मैं कुछ साल ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, तो वहां भी इतना इंडियन टेक अवे बिकता है शायद कोई और बिकता हो। वो है, लेकिन अगर एक सिग्नेचर होता तो मार्केटिंग करना आसान होता। जैसे मैं हिंदुस्तानी बता रहा हूँ, मुझे पिज्जा मालूम नहीं है, मुझे पास्ता मालूम नहीं है, फिर मुझे मालूम है पिज्जा हट का पास्ता का क्या टेस्ट होता है, वही मेरे लिए यार्ड स्टिक, मैं वही समझ रहा हूँ ठीक है। हालांकि ओरिजिनल इटालियन लोगों की दुकानें हैं दिल्ली में, उनके पास्ता और पिज्जा में, और ये पिज्जा हट या डोमिनोज के पिज्जा में आसमान जमीन का फर्क है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो ओरिजिनल इटालियन लोगों की दुकानें हैं वो जो बनाते हैं, और जो ये पिज्जा हट और ये बेचते, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन वो एक स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक है, मुझे रिस्क नहीं होता है, मुझे परेशानी नहीं होती, मेरे दिमाग में, मेरे जुबान में वो बसा हुआ। हमारे सिग्नेचर फूड जो है ना वो पानीपुरी, जिसको हम पाकिस्तान में गोलगप्पा कहते हैं। हाँ, पानीपुरी में आपको एक टेस्ट मिलेगा,
तरह अगर रसगुल्ला ले लें, हल्दीराम का रसगुल्ला सारी दुनिया में रसगुल्ला वही टेस्ट मिलेगा। ऐसा है, मैकेनाइज प्रोडक्ट्स है ना, ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स है, उसमें तो आप एक टेस्ट मेंटेन कर सकते हैं। जब हाथ से आप बनाएंगे ना चीज, जैसे मैं आप दो हैंडमेड कार्पेट कभी से दो जगह पे बना हुआ अलग अलग हाथों का खाना कभी से हमारे वहाँ पाकिस्तान में तो हम एक से ज्यादा बेगम रख सकते हैं ना, हमारी दो बेगम का खाना अलग अलग टेस्ट का होता है। बिल्कुल। अच्छा एक और कमेंट भी आया, चिकन करी का अच्छा बिजनेस है। बिल्कुल जावेद जावेद अजहर साहब बिल्कुल सही दिखाया जा रहा हूँ। और जो व्यूअर्स में आपको अभी नए ज्वाइन किए हैं, आज हम इंडिया पाकिस्तान बिजनेस शो में ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे कंट्रीज का जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिनका कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो वो जरूर हमको लिख सकते हैं। और मैं और ये भी रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि अपने व्यूअर्स से वो जो ये प्रोग्राम प्लीज शेयर कर दें अपनी टाइमलाइन पे, लोग हमें सुन सके, हमको देख सके और इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। एक क्वेश्चन था रशाद महमूद का, आई थिंक वो जो अमित सर ने थोड़ा रेज किया था इशू, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उनका कुछ कमेंट ऐसा है, इफ आई स्टार्ट माय ओन स्मॉल बिजनेस, फर्स्ट आई नीड रीजनेबल इन्वेस्टमेंट, then I have to face also bundle of problems with government offices goons. I think ये problem दोनों side, दोनों मुल्कों में है, दोनों कहते हैं जितने भी सार countries हैं सब में है। तो ये कैसे, एक तो हमारे mindset में है कि अगर business कर रहा है तो investment चाहिए, वो तो है ये चलो, फिर ये भी एक सबके दिमाग में भरा हुआ है कि अगर business करना है तो सरकार के चक्कर जरूर काटने पड़ेंगे। तो सर नहीं, उसमें क्या एक्सपीरियंस है? नाजिर साहब बाद में बोले, मैं पहले कुछ बोलना चाहूंगा, उसके बाद नाजिर साहब हाँ, बेटर ऐसा है आप बोलो। इंडियन सर, आदमी, इंडियन इंडियन आदमी जो है, इंडियन आदमी मतलब जब पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदुस्तान नहीं बना था, पुरानी बात कर रहे हैं, जब वो आए अंग्रेज यहाँ पे, तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, एक गांव होता था, उसमें खेती होती थी, एक मुनीम होता था, महाजन जिसको कहते थे, जो कर्जा देता था, एक छोटी सी परचून की दुकान होती थी, और जो विलेज की प्रोड्यूसर्स होती थी वो एक हाट में जाके गांव के बेची जाती। ये सिंपल लाइफ थी और ये लाइफ हजारों साल से चल रही, क्योंकि जो हमारे हिंदू या मुसलमान राजाओं थे उन्होंने कभी भी पब्लिक के लिए कोई काम नहीं, अपने लिए लड़ाई के लिए रोड रोड बनाए, कहीं कहीं सराय वराय बनाए, कुछ पानी पीने का इंतजाम किया, पब्लिक वेलफेयर नाम की कोई चीज किसी बादशाह ने किसी राजा ने कभी नहीं, उन्होंने अपना भलाई किया। ये अंग्रेज जो आए, इनको जब क्वालिफाइड लोगों की जरूरत पड़ी, तब इन्होंने कहा कि देखो जी तुम तो किसान हो, तुम्हारा तो अनसर्टेन इनकम है, तुम अगर फाइव पास कर जाओगे, पांचवी जमात पास कर जाओगे, तो तुमको बना देंगे बाबू, फिर तुमको 50 साल तक पैसे मिलेंगे। तुम जो अभी बारिश हो जाती है, खेती चलता नहीं है या कुछ होता है, कर्जा चुकाना पड़ता है, ये सब कोई, और 50 साल के बाद भी कुछ करना नहीं है, ऐसे ही तुमको पैसा देंगे, पेंशन, यूनिक सेल्स प्रोपोजिशन थी। उस हिसाब से नौकरी की तरफ इस खिप्ते में लोग ज्यादा गए, और अंग्रेजों को पता चला कि भाई कुछ लोग बिजनेस में अच्छे हैं, जैसे गुजराती वगैरह थे, गुजराती अपने सिंधी भाई साहब थे, इन लोगों को कुछ कुछ को बाद में उठा के ये कीनिया ले गए, साउथ अफ्रीका ले गए, कहीं कहीं ले गए छोटे मोटे काम कराने के। ट्रेड पे कंट्रोल इन्होंने हमेशा अपना रखा, हिंदुस्तानियों को नौकरी करने पे लगा दिया। अब आज की तारीख में अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना है, अपना बिजनेस करना है, तो बिजनेस को खराब बोला गया, कहा गया कि सरकारी नौकरी बहुत अच्छी चीज है, उसमें तो पैसा मिलती ही मिलती है, बीच बीच में आपको रिश्वत भी मिलती है, ऐसी बहुत सारी कहानियां उर्दू में, हिंदी में और दूसरे इस खिते के अलग अलग लैंग्वेजेस में इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज बहुत पुरानी पुरानी बहुत सारी है।
अब आज आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो भी दिक्कत है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, लेकिन उन दिक्कतों के बावजूद भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी का, फिर एक निर्मा वॉशिंग पाउडर वाले का हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, लेकिन काम करने में यहाँ हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं और खुशामद बहुत करना पड़ता है, जो शायद, मैं तो पूरी तरह जानकारी मुझे नहीं है, जो शायद इतनी खुशामदबाजी या इस तरह का वहां का जो सिस्टम ज्वाइनिंग डॉट्स का है वो सरकार जानती है कि हमारी सामान पूरे दुनिया में बिकने चाहिए, कोई अगर कुछ बना रहा है तो उसको बेचने में, उसको काम करने में मदद करो, जिससे हमें टैक्स आएगी और वो आदमी 5 आदमी को नौकरी देगा, उस हिसाब से बेहतर होगा। इस तरह का मेरे ख्याल से लगता है कनाडा में, अमेरिका में इस तरह का सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह का सिस्टम भी नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ जो सबसे ब्रिलियंट आदमी होगा उसके बारे में कहा जाएगा कि ये आदमी को या तो फौज में जाए या सिविल सर्विसेज में, बिजनेस करे बहुत अच्छा काम करके, कोई साइंसदान का काम करके, कोई बढ़िया काम करे, ये हमारे सोच में है ही नहीं। अब बताइए नाजिर, इसको कैसे ठीक किया जाए और आगे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी असेसमेंट बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई फर्दर कमेंट की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अब हम लोग अपने अपने मुल्कों को सुधारे कैसे इस चीज से? ऐसा है, अगर पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर फायदा कामयाब होंगे, दुनिया भर में आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हिंदुस्तान को फायदा होना ही होना है। हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान को फायदा होना ही, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सेम वे बांग्लादेश आगे बढ़ता है तो हिंदुस्तान को फायदा होता है। आज बांग्लादेश की इस खित्ते में सबसे ज्यादा GDP है, अर्निंग ज्यादा है। बांग्लादेश के लोग जब इंडिया में आते हैं, जिस ढंग से खर्च करते हैं और जिस ढंग से घूमते फिरते हैं, वैसा हिंदुस्तानी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी कमाई उतनी नहीं है। तो ये इंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट और अपना प्रोडक्ट बनाना, इस तरह का कल्चर जो कि हमारे स्कूलों में भी नहीं है, हमारे स्कूलों के किसी सिलेबस में किसी में भी अपना काम करो, अपना काम करके आगे बढ़ो, इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। कोई इस तरह के लोगों की लाइफ ना पढ़ाई जाती है ना बताई जाती है, बल्कि हमारे फिल्मों में दिखाते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो बहुत बदमाश है, वो विलेन होता है फिल्म का, और काम करने वाला मजदूर या कुछ इस तरह का आदमी जो है वो हीरो होता है। ठीक है सर, अमित सर आप अब लास्ट लेग पे हैं, आप बस एक क्लोजिंग रिमार्क और हम इस प्रोग्राम को अभी क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा। मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ, तो हाँ, बहुत कुछ सीखा भी। हाँ, अब मैं इस पे, क्योंकि सर लास्ट योर क्लोजिंग रिमार्क, सो विल क्लोज। नाजिर सर लास्ट आपका क्लोजिंग रिमार्क। बस ये कि इतना कहना चाहिए तो उनकी आपस में इतनी मोहब्बत और इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, पर स्टेट लेवल पे देयर आर फोर्सेस जो ये चाहते हैं कि हम ज्यादा करीब ना हो। बिकॉज अगर एक मिसाल ले लेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के रिसोर्सेज और एफर्ट्स अगर पुल अप हो जाएं, हमारे एफर्ट्स कंबाइन हो जाएं, हमारी हॉस्टिलिटीज ख़त्म हो जाए, तो हम इतना ऊपर चले जाएंगे दुनिया में कि ये दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो इसलिए दे मेक इट अ पॉइंट कि कोई ना कोई डिस्प्यूट हमारे दरमियान एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसको वो हवा देते हैं, ये ऐसी चीज़ें करते रहते हैं थर्ड कंट्रीज और थर्ड फोर्सेस, ताकि हमारे अंदर एक डिस्टेंस रहे। ये हमेशा रहेगा, हमें 1-to-1 हमारे कॉन्टेक्स्ट में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम नीचे से इतना पुल क्रिएट करें कि हमारे मुल्क जो हैं, इनकी रिलेशनशिप जो पॉलिटिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, रीजनल लेवल पे इतनी अच्छी हो जाए जैसे अफ्रीका में अच्छी हैं।
हमारे वहाँ ये इंटेंशनली डिस्प्यूट्स क्रिएट करवाते रहते हैं ताकि हम दूर रहें और हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएं और हम अपने रिसोर्सेज पुल अप ना कर सकें। हमारे एफर्ट्स जो हैं वो जॉइंटली करके दुनिया में एक बहुत बड़ी जगह ना बना सकें। इसके लिए कॉन्स्पिरेसीज होती रहती हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क उसके विक्टिम हैं। हमारे लीडर्स और पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनके एजेंडा पे काम कर रहे होते हैं। अगर हम नीचे से एक फोर्स क्रिएट करें, नीचे से ओपिनियन बिल्ड करते करते हम ऊपर ले जाएं, तो कोई ऐसा दिन जरूर आएगा कॉन्स्पिरेसी ये खत्म होंगी और हमारे मुल्कों में आपस में इतने अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, इतना अच्छा ट्रेड होगा, इतने अच्छे कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, इतना अच्छा टूरिज्म का एक्सचेंज होगा कि ये जितनी भी इस वक्त इश्यूज हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। थैंक यू नाजिर सर आपके क्लोजिंग रिमार्क के लिए। अब आई विल रिक्वेस्ट अमित सर टू गिव अ क्लोजिंग रिमार्क और फिर हम इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। खुशामदीद करना चाहूंगा, मेरी अच्छी किस्मत थी, अल्लाह ने चाहा जो आपसे मुलाकात हुई और इंशाल्लाह आगे हम लोग अच्छे काम और अच्छी चीजों के लिए आगे बढ़ेंगे और ये एक शुरुआत है, चीजें अच्छी होंगी। और मैं एंड में आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने इस आज के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। बहुत शॉर्ट नोटिस था, दोनों को मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस दिया लेकिन फिर भी ज्वाइन किया, तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। और हम नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे इस प्रोग्राम के साथ, इंडिया पाकिस्तान बिजनेस शो रान और कपिल चाव के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।